करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत कथा श्रवण के बाद ही पूर्ण माना जाता है और कथा का विशेष महत्व है। करवा चौथ का व्रत करने से स्त्रियों के सुहाग में वृद्धि होती है। कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन कर लो। उनकी बहन बोली कि भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही भोजन करूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर और छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है। तो वह भाभियों के पास जाकर बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियों ने बोला कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, अभी हमारा चांद तो रात्रि में निकलेगा और इसलिए उसने अकेली नहीं अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में पत्थर निकला, तीसरे ग्रास में ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार हैं, जल्दी से अपनी बेटी को भेज दीजिए। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जाओ और सोने का टका अपने पल्ले में बांध लो और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूते जाना और उनका आशीर्वाद लेते जाना। सब लोग रास्ते में मिले यही आशीर्वाद देते गए कि खूब प्रसन्न रहो, आप सात भाइयों की बहन हो, सदा सुहागन रहो और सब्र करने वाली बनो। सात भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे, परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। और ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे को छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा कि सील हो, सपूती हो, सात पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह बात सुनकर उसने जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर अपनी ननद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जाओ। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। तभी उसकी सास दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसको बंधी हुई रोटियाँ दे आओ। इस प्रकार माघ की तिल चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि तूने मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा पौष मास की चौथ माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वह तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गईं। माघ की, फाल्गुन की, चैत्र की, वैशाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की और भाद्रपद की सारी चौथ माता इस जवाब देते चली गईं। अगली चौथ माता आएगी उससे कहना। बाद में आश्विन की चौथ माता आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, वही तेरा सुहाग देंगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले ले,
दिन में चांद उगाने वाली करवे ले ले, ज्यादा भूख वाली करवे ले ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी और तुम ही सुधारोगी, मेरे को सुहाग आपको देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखूनों पर से मेहंदी और मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे के सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी और खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली, क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरी चौथ माता रूठी हैं। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 चौथ करना, नहीं तो 2 चौथ, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। ऐसा कहकर साहूकार की बेटी पूर्ण रूप से प्रसन्न रही, सुहागन रही, दीर्घ आयु उसके पति की हुई। सभी के पति की दीर्घ आयु हो। जय श्री कृष्ण।